और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की कुर्सी जाना तय हो चुकी है और ऐसे में अब निगम में महापौर पद के लिए फिर से जोर तोड़ शुरू हो गई है। अभी देखने वाली बात होगी कि कार्यवाहक महापौर लाया जाता है या फिर चुनाव कराए जाएंगे। जिसे मुलाकात की नगर निगम हेरिटेज में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, अगर उससे कांग्रेस पार्टी के पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए, मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर का पद ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और ऐसे में बहुमत के हिसाब से पाला कांग्रेस का भारी है। वर्तमान में नगर निगम हेरिटेज में 17 ओबीसी महिला पार्षद हैं, जिनमें से कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 4 ओबीसी महिला पार्षद हैं। 4 ओबीसी महिला पार्षद अन्य कैटेगरी में भी हैं। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि बोर्ड उनका है तो कानून के मुताबिक कार्यवाहक महापौर उनका ही बनना चाहिए। हालांकि नगर निगम हेरिटेज के चुनाव में अभी 14 महीने बाकी हैं। अगर नगर निगम के वर्तमान गणित पर गौर करें तो नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 वार्ड हैं। महापौर बनाने के लिए 51 पार्षद जरूरी है। अगर महापौर निलंबित होती हैं तो पार्षदों की संख्या 99 रह जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस के 47 पार्षद हैं जबकि बीजेपी के 42 पार्षद। पिछले चुनाव में 11 निर्दलीय पार्षदों में से 9 ने कांग्रेस को तो 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया था। ऐसे में सरकार चुनाव करवाती है या फिर अस्थायी तौर पर महापौर नियुक्त करती है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि नगर निगम की वर्तमान महापौर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गई हैं।